गुड मॉर्निंग क्लास फोर, दिस इज योर साइंस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर फूड फॉर हेल्थ फूड एंड इट्स डाइजेशन कुछ पार्ट्स आपको समझाया था। आज इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया जाएगा कि फूड हमारे बॉडीज में कैसे जाता है। तो फर्स्ट था आपका माउथ, माउथ की हेल्प से हमारे फिगर में वो जा बॉडी पार्ट्स में जाता है। फिर माउथ के बाद आपका मेन पार्ट आपका क्या था, माउथ था। फिर उसके बाद माउथ से हमारे किसमें जाता है, फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू फिर कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो फिर कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर एनस से होकर वो निकल जाता है। तो एक बार हम माउथ वाला इसका फ्लो चार्ट के थ्रू जो आपको बताया गया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से समझ लीजिए। माउथ में था आपका डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से। कोई भी चीज़ हम जब खाएंगे तभी तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, बिना माउथ के हम ये सारी चीज़ें हमारे पॉसिबल नहीं है। तो आपको फर्स्ट था उसके फंक्शंस में, टीथ ब्रेक द फूड इन टू स्मॉलर पीसेज। टीथ मतलब हमारे जो दांत है वो फूड को स्मॉल पीसेस करने में हेल्प करती है। सलाइवा मिक्स विथ द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट। सलाइवा आपको बताया गया था जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है उसे हम सलाइवा कहते हैं। वो हमारे फूड में मिक्स होके हमारे फूड को क्या करती है, वो सॉफ्ट बनाती है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड। जो सलाइवा होती है वो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। फिर आपका था स्टम और उसके बाद वो पाइप में जाती है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर किया गया था। फिर फूड पाइप के बाद फूड कहाँ पहुँचता है, स्टमक में हमारे। तो स्टमक का था आपका फ्रॉम द माउथ फूड पासेस इन टू द फूड पाइप। जो हमारा माउथ है हमारा फूड उस पर पास होकर कहाँ आता है, हमारे फूड पाइप में आता है। फिर उसमें आपका था नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी जो है उसके बिना कोई भी डाइजेशन नहीं हो सकता। फूड पाइप हेल्प्स टू मूव द फूड डाउन इनटू द स्टमक। फूड पाइप क्या हेल्प करता है फूड को कहाँ पहुँचाने में, हमारे स्टमक तक। द स्टमक इज ए मस्कुलर बैग। जो स्टमक होता है उसका जो मस्कुलर बैग होता है वो अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन टू द फूड। जो डाइजेस्टिव जूस होता है प्रेजेंट हमारे फूड में जो कि हमारे स्टमक में पहुँचता है वो किसमें हेल्प करता है, हमारे ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होती है। फिर आपको पता है कि स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है फूड हमारा मूव कराता है, सॉरी स्टमक जो है वो फूड को मूव कराता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। द जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द पैनल्स। जो जूस उसमें होता है प्रेजेंट वो कहाँ पहुँचता है, फिर हमारे वॉल्स मतलब आपको पता है दीवार, हमारे जो पार्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं अंदर उसमें भी जो पार्ट्स होते हैं उसको वॉल्स के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो वो हमारे वॉल्स तक पहुँचता है और एंड फिर जूस फ्रॉम द लीवर गेट मिक्स एंड ब्रेक डाउन द फूड कम्प्लीटली। जो पिल जूस होता है वो लीवर तक पहुँच के मिक्स होता है फिर ब्रेक डाउन द फूड कम्प्लीटली। फिर फूड को लीवर तक पहुँच के वो फिर ब्रेक डाउन करता है उसको, जो भी फूड हमारे पार्ट्स में जाते हैं फिर उसको कम्प्लीट करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड।
होता है जब, तो वो पहुँच के क्या करता है, अब हमारे भोजन को फूड को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आप बताओ लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, यानी कुछ फूड सम ऐसे फूड भी ले लेते हैं जो कि वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेते हैं या डाइजेस्ट नहीं होते, प्रॉब्लम होती है, तो वो दैट रिमेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर कहाँ हमारे कौन से पार्ट में आती है, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। द सॉलिड वेस्ट इज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द एनस, और किसकी हेल्प से वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल बॉडी से आउट होती है, एनस के हेल्प से वो हमारी बॉडी से आउट होती है। तो आज आपका टॉपिक है हेल्दी ईटिंग हैबिट। हेल्दी ईटिंग हैबिट आप सभी को पता है, खाना खाने की कुछ अच्छी और हेल्दी आदतें। फर्स्ट आपका क्या है, वॉश बोथ हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हमें खाना खाने से पहले और बाद अपने हाथों को यानी दोनों हाथों को धुलना चाहिए। सेकेंड आपका है अवॉइड ओवर ईटिंग, ऑलवेज ईट ए बैलेंस डाइट। हमें ओवर ईटिंग यानी बहुत अधिक मात्रा में खाने को नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ऑलवेज ईट ए बैलेंस डाइट, हमेशा हमें एक बैलेंस डाइट यानी रूल को फॉलो करके ही अपना फूड लेना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड एंड स्टल फूड, हमें कभी भी अनकवर फूड यानी जो कि ढके नहीं होते हैं और बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ये आपकी थ्री टॉपिक्स बोर्ड पे लिखी हैं। अब बुक में आप देखेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, वॉश बोथ हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। अभी आपको बताया गया कि अपने दोनों हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में हमें धुलना चाहिए। ऑलवेज ईट इन फिक्स टाइम, हमें हमेशा जो है फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, ये नहीं कि कभी भी भूख लगी हम खाना खाने में बैठ जाए। आपको पता है कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आफ्टरनून में हमारा लंच होता है, इवनिंग टाइम हम स्नैक्स वगैरह कभी कभी टी टाइम लेते हैं, फिर नाइट में हम डिनर करते हैं। उन सबका एक टाइम फिक्स होता है कि 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे आपको लंच करना है, टी टाइम आपका 4 PM है और डिनर आपका 9 PM। ऐसे फिक्स टाइम पे आपको यानी हमेशा अपना खाने का टाइम फिक्स रखना चाहिए। ईट ऑलवेज ईट स्लोली एंड चाउ द फूड प्रॉपरली बिफोर स्लॉगिंग। हमें जो है अपने फूड को अच्छी तरह से चबा कर और धीरे धीरे खाना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी किसी वर्क की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको ईट करते हैं, उसको चबाते नहीं, क्योंकि हमारे बैड हैबिट्स में आते हैं। नेवर ईट अनकवर्ड एंड स्टल फूड, हमें कभी भी अनकवर्ड यानी खुले हुए जो भोजन हमारे होते हैं उसे नहीं खाना चाहिए और बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। आप जाते हैं मार्केट वगैरह तो काफ़ी चीज़ें आप देखते होंगे कि वो कवर नहीं रहती, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग प्रेशर फूड, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, हमें बासी या बचे हुए खाने को नहीं अवॉइड करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम हमेशा फ्रेश फूड ही खाएं। कुकिंग फूड आपको पता है, देयर आर सम स्टफ दैट कैन बी ईटन रॉ। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हम उसको कुक नहीं करते हैं, क्या करते हैं, रॉ खाते हैं। रॉ मतलब आपको होता है कच्चा। कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे हम उन्हें कच्चा खाते हैं, आपका होगा ककम्बर, ये सारे काफ़ी ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा यूज करते हैं, उन्हें पकाया नहीं जाता। सम नीड टू बी कुक्ड, और कुछ फूड को जरूरत होती है पकाने की। कुकिंग किल्स जंक, कुकिंग जो होती है जो हम भोजन को पकाते हैं ना, तो वो उसमें जो जंक्स होते हैं वो उन्हें नष्ट कर देती है। इट ऑलवेज मेक्स द
स्वाद उसका अच्छा हो और जल्दी से हमारी बॉडी जो है डाइजेशन सिस्टम में वो डाइजेस्ट हो जाए। इसमें आपका है वॉश ऑल रॉ फूड स्टफ वेल बिफोर कुकिंग टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। जितने भी हमारे रॉ फूड होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें पकाने से पहले जो है अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए ताकि उस पर जो जर्म्स और डस्ट यानी कीटाणु और धूल लगे हैं वो साफ हो जाए। वॉटर इन विच प्लेसेस एंड ग्रेन्स आर वॉश्ड शुड नॉट बी थ्रो अवे एज इट्स कंटेंट्स विटामिन। यूज दिस वॉटर विद कुकिंग। वॉटर जो होता है और जब हम प्रोसेस मतलब आपको पता है दाल होती है एंड ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, दाल और अनाज को जब हम वॉश करते हैं धुलते हैं तो उसके जो पानी होते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी थ्रो अवे, उन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए। इट कंटेंट्स विटामिन, उसमें क्या मिले होते हैं यानी जो अगर हम उन्हें धुलते हैं तो उसमें विटामिन के आ जाते हैं कुछ क्वालिटी, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। यूज दिस वाटर वेल कुकिंग, उस पानी को हमें यूज करना चाहिए इसमें कुकिंग के लिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो उन्हें काटने से पहले हमें धुल लेना चाहिए। दे लॉस देयर न्यूट्रिशन इफ वॉश आफ्टर कटिंग। अगर हम उन्हें धुलने के बाद सॉरी काटने के बाद उसे धुलते हैं तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देते हैं। फॉर बॉइलिंग टेक जस्ट एज मच वाटर एज इज नेसेसरी सो दैट द वाटर विच हैज अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड इज नॉट थ्रो अवे। जब हम बॉयल करते हैं टेक जस्ट एज मच वाटर, जितना भी हमें पानी की आवश्यकता हो उतने ही पानी में हमें उसे बॉयल करना चाहिए। टू दैट द वाटर विच हैज अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिशन, वो जो पानी उतना रहता है वो क्या अब्सॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम द फूड। किसके न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है लेता है फूड के, तो इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। इज नॉट थ्रो अवे। डू नॉट ओवर कुक और री हीट फूड। हमें अपने फूड को ओवर कुक यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पकाना नहीं चाहिए और दोबारा री हीट नहीं यानी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। इट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को नष्ट कर देता है। तो इसमें आपका दिया है डिफरेंट फूड आर कुक इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट फूड्स को हम डिफरेंट वेज में पकाते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टीमिंग। स्टीमिंग आप इडली करते हैं, मोमोज करते हैं, सारी हमारी इसमें आती है स्टीमिंग में आती है। बॉइलिंग आपको एग्स को आप बॉयल करते हैं और कभी कभी आप पोटैटो भी बॉयल करते हैं वो आपको बॉयल में आ जाएगा। फ्राइंग पूरी मतलब पूरी जो आप बनाते हैं वो भी आप फ्राई करके इसको बेक करते हैं। बेकिंग में आपका क्या है केक, केक को आप बेक करके ही बनाते हैं, इसको ना आप स्टीम कर सकते हैं ना बॉयल कर सकते हैं ना फ्राई कर सकते हैं। और रोस्टिंग में आपका आ गया मीट, आप रोस्टिंग किसको कर सकते हो, मीट को कर सकते हो, उसको भी आप फ्राई नहीं कर सकते बॉयल नहीं कर सकते। तो ये हमारा सब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है और कुकिंग फूड में आपका था डिफरेंट फूड्स फूड आर कुक इन डिफरेंट वेज। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे